राम राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के व्लॉग में। आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। ये मक्की में आसिन से लाया था, ए सी आई सेकेंड नाम से है ये मक्की। ये लगभग 60 ग्राम के आसपास है, तो हम इससे मतलब पॉपकॉर्न बनाएंगे और देसी स्टाइल में चूल्हे पर बनाएंगे। तो सबसे पहले चूल्हा लगाते हैं। देखो बहुत सारों से चूल्हा भी नहीं लगता है, चूल्हा लगाना भी एक कला है, हर कोई नहीं लगा सकता है। मैं लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकते हैं? देखो सबसे पहले छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े देंगे ताकि चूल्हा आसानी से जल उठे। देखो इस प्रकार हमारा चूल्हा जल गया है अच्छे से वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चूल्हे पर कोई भी चीज बनाते हैं तो काफी स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है। तो चूल्हे पर बनाएंगे और पॉपकॉर्न को भी मतलब हल्दी को चूल्हा लग गया है। तो देखो ये चूल्हा हमारा अच्छे से जल गया है। तो अब देखो इसमें ये जो मिट्टी की जो तवा होता है, इसको राजस्थानी में बोलते हैं केलड़ी। तो हम सबसे पहले चूल्हे के ऊपर रखते हैं केलड़ी। तो ये हमने केलड़ी रख दी है। देखो जब तक इसके अंदर चूल्हा चल रहा है तो ताव लग रहा है, मतलब आँच लग रही है, तो ये गर्म हो रही है केलड़ी। तब तक अपन ऐसा करते हैं, जो ये मैं पॉपकॉर्न की मक्की लाया था आसिन से, इसको अपन ये दामा है मेरे पास, इसके अंदर खाली कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि कोई मसाला वगैरह हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि देखो साल्ट यानी कि नमक इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। कुछ मिलाना है, सिंपल सेकना है। तो ये सारी मक्की इसमें निकाल ली है। जैसे ही ये केलड़ी गर्म होगी फिर इस मक्की को इसके अंदर डालेंगे। वेट करते हैं केलड़ी गर्म होने का। तो गर्म होगी इसका कैसे पता लगेगा, थोड़ा हाथ लगा कैसे देख लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की है तो अभी गर्म नहीं हुई है। गर्म होते ही हम इसके अंदर ये मक्की डाल लेंगे। पुराने लोग बहुत पॉपकॉर्न सेकते थे और खाते थे, आजकल भी खाते हैं। सर्दियों के दिनों में ज़्यादा पॉपकॉर्न सेकते हैं। इसको देसी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं फुलिया। तो आज हम सेक रहे हैं फुलिया। ये फुलिया सेक रहे हैं स्पेशली हमारी मम्मी के लिए। तो जैसे ही आज से ये मतलब देखते हैं केलड़ी गर्म हो गई है, तो अब ये जो पॉपकॉर्न का मक्का है मेरे पास दामे के अंदर, वो इसके अंदर डाल लेते हैं हम। सारा डाल लिया मैंने। अब क्या करते हैं कि ये मेरे पास स्पून है यानी कि चम्मच है, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा सिकने लगेगा और इसके ऊपर कुछ ढक लेंगे, क्योंकि ये जो पॉपकॉर्न की मक्की है मतलब उछाल बहुत मारती है। तो मैं थोड़ा इसको चारों तरफ कर लेता हूँ इसको अलग। थोड़ी सी है मक्की, देखो इसको हमन क्या बिना ऑयली बना रहे हैं, यानी कि बिना तेल के, इसमें कुछ भी नहीं मिला रहे हैं। इसमें पहले से ऑलरेडी नमक मिला हुआ है, तो इसको सिंपल बना रहे हैं मतलब। तो ऐसे हिलाते रहेंगे धीरे धीरे। देखो एक सिक गया है, देखो ये फूल गया है, कहने का मतलब। जैसे देखो ये उछाल मारने लग गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये ढक लेंगे मतलब, और ये केलड़ी के अंदर है, इसको धीरे धीरे मतलब इसको, तो देखो इसको ये कहने मतलब तड़ाके मार रहे हैं फूलिए सिक रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर धामा रख के इसको ढक लिया है केलड़ी को। अब इसके अंदर से आवाज आ रही है, जैसे ये उछलते हुए बंद हो जाएंगे, थोड़ा ताव कम करते हैं, ताव ज्यादा लग रहा है ताकि जले नहीं, बंद हो जाएंगे। फिर बाद में हम इस धामे को ऊपर से हटा लेंगे। देखो अंदर दौड़ बिल्ली कुत्ता आया वाला गेम चल रहा है अंदर, ये उछल रहे हैं ऊपर आ रहे हैं। देखो नहीं ढके तो ये अभी उछल जाते हैं, जैसे कि पटाखे जल रहे हैं दीपावली के, ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसलिए इसको ढकना पड़ता है।
मतलब पॉपकॉर्न तैयार हो गए, हमने केलड़ी को नीचे उतार लिए है। तो इस प्रकार सीखे हैं केलड़ी के अंदर, एक आँच जल गया होगा, बाकी अच्छे से हो गए तैयार। इस प्रकार आप भी मतलब ये जो मिट्टी की जो केलड़ी होती है इसके अंदर पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राम राम सर।